बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान को छू रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम राम राज्य दे रहे हैं। अगर ये राम राज्य की परिभाषा है तो राम राज्य क्या होगा साथी? जनता की पीड़ा को सुनना नहीं चाहती है, जो जनता की परेशानियों की अनदेखी करती है, जिसके सामने प्राथमिकता सिर्फ सत्ता की है और सत्ता का सुख भोगने की है। आज हम बताना चाहते हैं, आज हम बताना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं, जो कभी नहीं सुना था, आजाद भारत में नहीं है कहीं का सानी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपए को पार कर जाए। महंगाई आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान को छू रही हैं और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम राम राज्य दे रहे हैं। अगर ये राम राज्य की परिभाषा है तो राम राज्य क्या होगा साथियों? मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जनता से कि आज आप लोग सड़कों पर आइए। इस सरकार ने जो जनता की दुर्दशा, चाहे कोविड के कार्यकाल में जिस तरह ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जाने गई, अस्पतालों में बेड नहीं थे, चिकित्सक नहीं थे, पर ये सरकार और सरकार के मुखिया पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को सत्ताहीन सत्ता से उखाड़ने के लिए लगे हुए थे। इनको कोई दुख दर्द नहीं था कि जनता का क्या हाल है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने साथियों से आवाज करता हूँ और जनता से आह्वान करता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है इस सरकार को, बोगी बहन की सरकार को हम आह्वान करते हैं कि अगर पेट्रोल कीमतों की वापस नहीं ली तो जनता और तेजी के साथ और भारी संख्या में सड़कों पर आएगी। जय हिंद।
पेट्रोल डीजल का के पर अरे चाचा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, पेट्रोल डीजल के पैसे कम कराने।